युविका, तुम जानती हो उसे? तुम इतना झिझक क्यों रही हो? और तुमने उनको बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ? कुछ ऑर्डर करते हैं। अर्जुन, एक मिनट। युविका, सच सच बताना, क्या तुम्हें दूसरों के सामने हमारे रिश्ते को कबूल करने में शर्म आती है? या तुम्हें अब हमारे रिश्ते से कोई उम्मीद ही नहीं रही? ठीक, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है युविका? मैं तुम्हारा अभी भी मंगेतर हूं, राइट? या फिर इस बात को भी भुला दे। कार्तिक, मैं हमारे रिश्ते को नहीं नकार रही हूं। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना युविका, ऐसे तो चलेगा नहीं। तुम समझाओ मुझे, मैं सुनता हूं तुम्हारे। समझाओ कार्तिक। आंटी जी, तेरा माँ कैसी है? जी माँ ठीक है, आप कैसी हैं आंटी? बिल्कुल ठीक। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। कार्तिक, जो तुम्हारे साथ महाजन हाउस के बाहर हुआ वो ठीक नहीं है। उसके बारे में अर्जुन ने मुझे फोन पर बताया। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी जायज है बेटा। कार्तिक, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? कि तुम फीलिंग्स ना अंदर नहीं रखते, जो दिल में होता है साफ बता देते। ऋषिकेश में तो हम एक परिवार से ही थे ना। कार्तिक बेटा, हमारा यहाँ आना प्लान्ड नहीं था, सब कुछ अचानक हो गया। हम नहीं चाहते थे यहाँ आना, लेकिन आना पड़ा। हमारे लिए घर नया ही नहीं, बहुत अलग है। मेरे बच्चों के लिए तो ये अलग सी दुनिया है। मैं भी यहाँ 20 साल के बाद आई हूँ, और 20 साल के बाद ऐसा लग रहा है कुछ चीजें पहले से भी ज्यादा बदल गई हैं। ये तीनों भी एडजस्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब इतने दिन महाजन्स के बीच रहने के बाद ये तीनों भी सीख गए हैं कि महाजन्स के लिए अपने सिवाय किसी और के रिश्तों की अहमियत मायने नहीं रखती। हम महाजन्स हैं और हमारे यहाँ शादी के मायने अलग होते हैं। यहाँ पे रिश्ते दो बड़े बिजनेस एम्पायर्स के बीच में होते हैं। यहाँ एक रिश्ते की वजह से सब कुछ संभल सकता है या सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अपना हाथ दो, दो। युविका, तुम दोनों का ये रिश्ता मेरा और प्रेम का फैसला था। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूं, मुझे विश्वास है तुम दोनों में। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस रिश्ते पर उंगली उठाए। बेटा, हम दिल से नागर जरूर हैं, लेकिन हमारी जिंदगियां महाजन से जुड़ चुकी हैं। और महाजन कुछ भी अलग करते हैं ना, तो एक बखेड़ा सा खड़ा हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम और युविका किसी भी बखेड़े का सामना करो। बेटा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं बस तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, बस कुछ समय के लिए कार्तिक, तुम्हारा और युविका का ये रिश्ता महाजन के सामने हम ना लाए तो वही बेहतर होगा। तुम समझदार हो, आई होप तुम मुझे समझ सकोगे।
चाय ऑर्डर करें? मैंने होटल में एंटर करते ही चाय ऑर्डर कर दी थी। तुम्हें पता है कार्तिक, ऋषिकेश से यहाँ आने के बाद हम में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन बन गया है? कौन? अर्जुन? नहीं, फिर हमारी ईशा। वाह क्या बात है, क्या हुआ? इस चाय ने तो ऋषिकेश के घर की चाय की याद दिला दी। बिल्कुल, मैं ना महाजन हाउस में, अगर आपको चाय चाहिए तो कभी वो हिबिस्किस टी, कभी जास्मिन टी, और वो कभी वो कामो, क्या कैमो, कैमोमाइल टी। ओहो वही वही। युवी तुम लेट हो रही होगी ना, तुम जाओ। थैंक यू कार्तिक, आई एम रियली सॉरी। मैं सच में तुम्हारे साथ ना मैक्सिमम टाइम बिताना चाहती हूँ, बट फिलहाल ऑफिस में काम ही इतना है ना कि। युवी मैं सब समझता हूँ, तुम एक काम करो, तुम ऑफिस का पूरा काम आराम से कर लो पहले, फिर हम शाम को मिलते हैं, या ठीक? मम्मी मैं चलूं अभी। संभल के, बाय बाय। थैंक यू। क्या ये सब, सारी फोटोज खराब कर दी आपने? मैंने आपसे कहा था रील पुरानी है, आराम से प्रोसेस करना। हाँ मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए, आपको आइडिया भी कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए पिक्चर्स ये। सर मैंने किया था ट्राई सर। हाय सर, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ प्रिंस? मैम इनके रील इतने पुराने थे कि फोटो कैसे ही बन सकते हैं। मेरे डैड ने क्लिक की थी ये पिक्चर्स, उनके पुराने कैमरा से रील निकाल के लेके आया था मैं। सोचा था एटलीस्ट उनकी मेमोरीज को तो सेव कर लूंगा मैं, स्पेशली इन्फॉर्म करके गया था मैं कि कुछ भी प्रोसेस करना पड़े प्लीज करिएगा। लेकिन संभाल के, आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते तो मना कर देना चाहिए था ना। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज कैन आई हैव अ लुक? Prince, what is this? I'm really sorry sir, मेरी असिस्टेंट की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि यादें कितनी कीमती होती हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये सारे पिक्चर्स मैं खुद रिप्रोसेस करूँगी और आपको बढ़िया से प्रिंट निकाल कर दूंगी। और हाँ, इसके लिए हम आपसे पैसे भी चार्ज नहीं करेंगे। मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए, अगर आप इन फोटोज को ठीक कर सकती हैं तो। सर मैंने आपसे कहा ना मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये जो मेरे असिस्टेंट से गलती हुई है वो मैं सारा रिकवर कर दूंगी, डिजिटली जितना भी हो सकेगा सारे पिक्चर्स को करेक्ट करूंगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी यादें खूबसूरत हो जाएंगी, क्योंकि यादों को तो खूबसूरत ही होना चाहिए ना। ये आपने कैप्चर किया? जी। इस पूरे मोमेंट को पूरे इमोशन के साथ कैप्चर किया आपने, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। ऐसे पोर्ट्रेट्स और भी आपके स्टूडियो में? हाँ बिल्कुल, अंदर बहुत सारे पिक्चर्स हैं, आप देखना चाहेंगे? मे आई? प्लीज। वाओ मेरे पापा को भी फोटोग्राफी का बहुत शौक था,
प्रोफेशनल नहीं थे लेकिन अपने हर शौक का ना पूरी शिद्दत से पूरा किया करते थे वो, यहाँ तक कि घर के अंदर डार्क रूम भी बनाया हुआ था उन्होंने। बस डिजिटल कैमरा से बहुत चिढ़ थी उनको, लेकिन उसके बावजूद जब भी मैं या मेरी बहनें कोई भी फोन में फोटो खींचती थी ना और उनको दिखाती थी तो हर बार अप्रिशिएट किया करते थे वो। ऑलराउंडर थे मेरे डैड, माय सुपर हीरो, बहुत मिस करता हूँ उन्हें। काश आज वो हमारे साथ होते। I'm sorry. पता नहीं मैं आपसे ये सब बातें क्यों। It's okay, I understand. कभी कभी ना अजनबियों से बात करना बहुत आसान हो जाता है, ना उन्हें हमसे कोई उम्मीद होती है और ना हमें, जो मन में आया बस कह दिया। वैसे मैं आपसे एक बात कहूं, आप ना बहुत लकी हो, इतनी सारी इतनी प्यारी यादें हैं आपके पास और आपके पास इतनी लविंग फैमिली भी तो है। एनीवे आइए मैं आपको अपना वर्क दिखाती हूँ। श्योर, व्हाई नॉट। बाय युविका। बाय। थैंक गॉड सारा काम खत्म हो गया। अगर मौका मिला ना तो कार्तिक के लिए कुछ गिफ्ट भी ले लूंगी। युविका मैम, अब क्या विवेक, कहाँ जाने लगी आप? ऑफिस टाइम इज ओवर। आपके लिए नहीं मैम, आपकी मिस्टर सेनगुप्ता जी के साथ मीटिंग है, वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे। मीटिंग? लेकिन शूट तो कल है ना। हाँ लेकिन मिस्टर सेनगुप्ता जी को कुछ लास्ट मिनट आइडियाज आए थे कल के शूट को लेकर, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। तुम एक काम करो, तुम ऑफिस का पूरा काम आराम से कर लो पहले, फिर हम शाम को मिलते। क्या हुआ मैम, आप मिस्टर सेनगुप्ता जी से नहीं मिलेंगे? विवेक दो मिनट दो मुझे, मैं आती हूँ। श्योर। What's up, UV? क्या हाल है? अच्छा listen, मैं एक टाइम पे आ गया हूँ यहाँ पे। तुम कहो, ऑफिस से निकले अभी तक या नहीं? कार्तिक, I'm really sorry, मैं ना आ नहीं पाऊंगी। वो ऑफिस में ना अर्जेंट काम आ गया और मैं। Seriously, UV? नहीं वो क्या है ना कि मैं ना काफी excited था कि हम मिल रहे थे, आराम से बैठते, ढेर सारी बातें करते, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। बट इट्स ओके यू वी, आई टोटली अंडरस्टैंड। तुम आराम से अपना ऑफिस का काम खत्म करो एंड देन कॉल मी। आई नो कार्तिक, आई नो, आई विल मेक इट अप टू यू। आई स्वेयर, मैं सच बोल रही हूँ, आई विल रियली मेक इट अप टू यू। हाँ या टेक केयर। ओम क्रीं 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 दुंग दुर्गति नाशिन्नीय
महामाये स्वाहा। बेटे। दादा बाबू, आज फोटोशूट है और आज का दिन ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज सब अच्छा हो। बेटे, यत भावो तत भवती, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। बेटे, इंसान अगर मन बना लेना तो सब कुछ अच्छा ही होता है, कुछ गलत नहीं होता। जी दादा। शुभस्ते सर्वदा। जाओ बेटा। हेलो विजर अंकल। हेलो युविका। एबीएस। एबीएस? ऑलवेज बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच विजर अंकल। दादा बाबू, याद है आपने मुझे ऋषिकेश भेजा था गुरुजी के पास, और उन्होंने क्या कहा था? गुरुजी ने कहा कि समय नहीं हुआ है, जब समय होगा तो समय ही सही उत्तराधिकारी आपके सामने ला देगा। तुम क्या कहना चाहते हो विदुर? सही समय आने पर समय ही सही उत्तराधिकारी आपके सामने ला देगा। तो क्या वो सही उत्तराधिकारी युविका नहीं हो सकती? तुम महाजन परिवार के वंशज की बात कर रहे हो? बिल्कुल दादा बाबू। हाँ विदुर, मुझे युविका में प्रेम की झलक दिखाई देती है, लेकिन युविका बेटी को अभी बहुत कुछ सीखना है। माफ कीजिएगा दादा बाबू, दिल में ख्याल आते ही अचानक जुबान पे आ गया और आपसे शेयर कर बैठा। हालांकि मैं जानता हूं महाजन परिवार की अपनी परंपरा है, अपने नियम है ऐसे फैसलों को लेकर। हाँ कार्तिक, बोलो। युविका जी। हाँ, आप कौन? युविका जी, मुझे ये फोन यहाँ सड़क पे पड़ा मिला, आप जानती हैं किसका है? हाँ, ये तो मेरे दोस्त कार्तिक का फोन है, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये यहाँ पड़ा मिला। मैंने लास्ट डेट चेक किया तो आपका नंबर था, तो मैंने आपको कॉल लगा दिया। जो जो यहाँ अगल बगल में थे मैंने पूछा, ये मोबाइल किसी का नहीं था। गॉड, कार्तिक को क्या हो गया? वो तो ऐसा लापरवाह भी नहीं है। हेलो, आप कहाँ हैं? आप एक काम कीजिए ना, प्लीज इस नंबर पे मुझे एड्रेस भेजिए, मैं तुरंत आ रही हूँ। ओके ओके। एड्रेस तो यहीं का दिया था, यहीं तो बुलाया था। युवी, हाय। कार्तिक। हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ युवी, मैं एकदम ठीक हूँ। तो ये सब क्या था? वो युवी क्या है ना कि मुझे ना मेरी युवी की थोड़ी सी अटेंशन चाहिए थी। तो कार्तिक, ये सब कुछ मजाक था? हाँ मजाक था कार्तिक। अब युविका, मेरा ना बड़ा मन था तुमसे मिलने का, तो तुम्हें पता है मैं अपना काम छोड़ के आई हूँ ऑफिस में, और आज मेरी जॉब का सबसे इम्पोर्टेंट डे है कार्तिक। सॉरी युवी, क्या है ना कि मैंने अपनी युवी को ना आज जी भर के देखना चाहता था,
यार बुरा मत मान यार, अब तू कहे तो मैं उठक बैठक कर लेता हूँ, ये लो सॉरी। अच्छा मुझे ना तुमसे एक बात कहनी थी, वो यूवी क्या है ना कि हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी? तुम भूल गई यूवी, आज ही के दिन हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को आई लव यू कहा था। आई लव यू कार्तिक। आई लव यू टू। आज हमारी प्रपोजल एनिवर्सरी है ना, 3 साल पहले आज ही के दिन तूने मुझे प्रपोज किया था। मतलब जो यूवी हमेशा से कार्तिक को डेट याद दिला दी थी, आज कार्तिक ने यूवी को डेट याद दिलाई। कैन यू सी द इम्प्रूवमेंट? सॉरी कार्तिक। इट्स ओके। एंड हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी यूवी। अच्छा यूवी, आप एक सरप्राइज और है। अब क्या सरप्राइज? तुम्हारे वैसे आज तुम्हारा कोई शूट है ना? उसमें टाइम कितना है? मुझे 2 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, मैं वही सेटअप तो करवा रही थी ऑफिस में। 2 बजे तक मतलब आधा पौना घंटा है हमारे पास, हो जाएगा। प्लीज ना यूवी, इतना तो कर ही सकती है हमारे लिए। कोई ऑप्शन है मेरे पास? एक काम करती हूँ, डीजे को ऑफिस में इन्फॉर्म कर देती हूँ। जी विदुर अंकल, आई एम रेडी। कॉन्फ्रेंस रूम आप लोग यहीं आ जाइए, फिर यहीं से हम साथ चलते हैं मीटिंग के लिए। बाय। यस। हेलो डीजे, वो मुझे ऑफिस आने में ना थोड़ा लेट हो जाएगा, तब तक को मैनेज कर लोगे? तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम कभी टाइम पे क्यों नहीं पहुंच सकती? क्या बोलूं? वो डीजे मेरी ना तबीयत सही नहीं लग रही है। मैं रास्ते में ही हूँ तो बस जब तक पहुंची हूँ तब तक मैनेज कर लोगे तुम? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.